चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, इधर देख, वो जो टॉपिक है वो अपना बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है, समझने का प्रयास करते हैं। और हमको तो सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कॉन्सेप्चुअल हम समझने का कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे कि सजी किस प्रकार हम समझने का कोशिश करते और समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बात किया जाता है सजी समझने का, ध्यान दे बुआ, तो बोला जाता है कि सर सबसे पहले आप पहले ये चीज दिमाग में बैठाइए, ध्यान दे, पहले ये चीज दिमाग में बैठाइए कि हमको एक बार में समझना है, ठीक है। क्योंकि सर इस चैप्टर का हम जितना चीज करा रहे हैं, जैसे मैं डीएनए फिंगरप्रिंट कराए वो भी ठीक है, पीसीआर कराए वो भी ठीक है, उसके बाद आज मेरा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, अगर पैकेजिंग की बात किया जाता है तो आप हमको एक चीज बताइए कि आप कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, कहते हैं कि पैक करके दे दीजिए, बोला जाता है। सर पैक करने का मतलब क्या कि उस सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रहता है तो आप उसको क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके में लेकर क्या करते हैं, पैक करवा के लेके चले आते हैं। यहां पे क्या बोला है, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग, हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं, बताने का हम यही प्रयास करते हैं कि सर हम लिखे नहीं है लेकिन ये जो संरचना अपनी है, ध्यान देना बुआ, बुलाता ये जो अपनी संरचना है, ये संरचना अपना केंद्रक का है। किसकी संरचना है, केंद्रक की संरचना है, ये संरचना की मैं बात कर रहा हूं, ये संरचना अपनी केंद्रक की है। और केंद्रक के भीतर आपको पता है कि सर जी ये जो है ना अपना, ये क्या है, क्रोमोटीन। क्या है, क्रोमोटीन। और आपको पता है कि क्रोमोटीन ही क्रोमोटिड्स का निर्माण करता है, और क्रोमोटिड्स ही डीएनए क्रोमोसोम का निर्माण कर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। इतना चीज हमको पता है पहले से। बोलाता है कि सर सबसे पहले इसका छोटा सा परिभाषा है, दो मिनट ध्यान दीजिएगा, परिभाषा समझ में आएगा। बोलाता है कि सर डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, तो एक चीज आप याद रखिए कि अगर हम मानव का एक डीएनए लेते हैं, ध्यान दे, एक डीएनए लेते हैं तो देखते हैं कि सर जी एक डीएनए के भीतर केंद्रक का जो आकार होता है ना, केंद्रक का जो आकार होता है वह 1×10⁻⁶ मीटर में होता है। 1×10⁻⁶ मीटर में, यानी माइनस में है, हजारों गुना कम। लेकिन सर यहां पे अगर डीएनए की बात किया जाता है तो 2.2 मीटर, ये अपना क्या है, डीएनए का हेलिक्स है। ध्यान दे, समझ, इधर बोला था कि सर मेन चीज यहीं पे है कि सर केंद्रक कितना छोटा है, अरे समझे चाहिए, केंद्रक कितना छोटा, 1×10⁻⁶ मीटर। जबकि अगर डीएनए की बात किया जाता है तो डीएनए काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो यहां पे आप जरा सोचिए कि एक छोटे से केंद्रक के भीतर, एक छोटे से केंद्रक के भीतर इतना बड़ा सा डीएनए, एक छोटे से केंद्रक के भीतर इतना बड़ा डीएनए किस प्रकार अंदर में रहते हैं, इसी को समझना, कोई दिक्कत नहीं, समझ ले रे प्रिंस, समझ ले कथी समझे कैसे, समझना यही है कि सर एक छोटे से डीएनए, एक छोटे से केंद्रक के भीतर एक बड़ा सा डीएनए किस प्रकार अंदर में रहता है, यही चीज समझना है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, बोला जाता है कि सर इसका परिभाषा अगर कोई बोले बताने के लिए, इसका परिभाषा क्या बताइएगा कि सर डीएनए के विशाल संरचना को, डीएनए के विशाल संरचना को, समझना ध्यान से, क्या बोला, डीएनए के विशाल संरचना को, कितनी बड़ी संरचना है, 2.2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। जबकि अगर केंद्रक की पूछे तो 1×10⁻⁶ मीटर, समझिएगा ध्यान से। बोला था कि सर डीएनए के विशाल संरचना को, परिभाषा समझना है, डीएनए के विशाल संरचना को एक छोटे से केंद्रक के भीतर, डीएनए के विशाल संरचना को एक छोटे से केंद्रक के भीतर समायोजित करने की विधि, सुव्यवस्थित करने की विधि
पैक करने की विधि डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। बोला जाता है कि सर डीएनए के विशाल संरचना को, डीएनए के विशाल संरचना को एक छोटे से केंद्रक के भीतर, डीएनए के विशाल संरचना को एक छोटे से केंद्रक के भीतर प्रविष्ट कराने की विधि, समायोजित कराने की विधि क्या कहलाती है? डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। कोई तरीके का दिक्कत नहीं ना। बोला जाता है कि सर इसको पैक किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। बोला जाता है कि सर सबसे पहले हम केंद्रक को लेते हैं तो देखते हैं कि सर जी केंद्रक के भीतर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोटीन पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, क्रोमोटीन पाए जाते हैं। एकदम दो मिनट ध्यान दीजिएगा। बोला जाता है कि सर अगर क्रोमोटीन की बात किया जाता है तो हम इसके बाहरी आवरण, ये जो अपना जो बाहरी आवरण है इसका नाम होता है सर केंद्रक कला। क्या नाम होता है? केंद्रक कला। बोला जाता है कि सर ये बाहरी आवरण हम केंद्रक कला को अगर मिटा देते हैं, ये बाहरी आवरण है, ये केंद्रक कला को अगर हम मिटा देते हैं तो हमें ये जो संरचना जो आपको दिख रही है धागे के समान, ये अपना क्या होता है? क्रोमोटीन। क्या होते हैं? क्रोमोटीन। बोला जाता है कि सर जो डीएनए में केंद्रक के भीतर जो क्रोमोटीन होते हैं उस क्रोमोटीन के भीतर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, इसी को एच प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एच प्रोटीन, समझते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और हम समझाने के लिए बताते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पर धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। और सर हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमोटीन के भीतर में होते हैं, वह क्रोमोटीन के भीतर का जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह पांच प्रकार का होता है। पांच प्रकार का याद कीजिए, कैसा कैसा आदमी इसमें फंस जाता है। पहला H1, ठीक है, H1, दूसरा H2A, तीसरा H2B, चौथा H3 और पांचवा H4। पांचवा H4, देखिए, पहला H1, दूसरा H2A, तीसरा H2B, चौथा H3 और पांचवा H4। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक। बोलाता है DNA के पैकेजिंग की क्रिया में, डीएनए के पैकेजिंग की क्रिया में याद रखना है H1 का कोई भूमिका नहीं होता है। डीएनए के पैकेजिंग की क्रिया में H1 की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि H2A की भूमिका होती है, H2B की भूमिका होती है, H3 की भूमिका होती है और H4 की भूमिका होती है। बोला जाता है कि सर समझने का कोशिश कीजिए कि H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, ये आंतरिक भाग में है, आंतरिक भाग में है, लेकिन जब DNA पैकेजिंग की क्रिया होती है तो यह आपस में एक और परत बनाएगा, या क्या करेगा? एक और परत बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोला जाता है कि सर यह आपस में एक और परत बनाएगा। आप एक चीज बताइए सर जी, इसमें एगो प्रोटीन, दो गो प्रोटीन, तीन गो प्रोटीन और चार गो प्रोटीन, चार प्रोटीन है ना। केंद्रक की बात करें तो एक दो तीन और चार, चार गो है। इसमें भी H2A, इसमें भी H2B, इसमें भी H3 और इसमें भी H4। लेकिन DNA के पैकेजिंग की क्रिया से पहले इनके बाद, यानी ये जो गोलाकार संरचना है इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जब यहां पे देखते हैं कि H2A, ठीक है, H2B, H3 और H4 की उपस्थिति आ जाती है तो यह अपने समान एक और केंद्रक के समान संरचना का निर्माण कर लेता है, एक और संरचना का निर्माण कर लेता है। तो छोटू देखिएगा, चार आगे है, यानी एक दो तीन चार, और चार इसके पीछे है, तो टोटल कितने? आठ। तो सर जी इसी को बोलाता है ऑक्टामर। क्या बोला जाता है? ऑक्टामर। और ये सब का सब क्रियाकलाप एक केंद्रक के पीछे हो रही है, केंद्रक के पीछे। और सर जब ऑक्टामर का निर्माण हो जाता है तो इसमें भी धन आवेश आ जाते हैं, इसमें भी धन आवेश आ जाते हैं, इसमें भी धन आवेश, इसमें भी, सब में क्या आ जाते हैं? धन आवेश आ जाते हैं। और सर जी ये ऑक्टामर युक्त केंद्रक में जो धन आवेश की उपस्थिति होती है उसको जब रखा जाता है और रखने के बाद डीएनए के विशाल संरचना के हेलिक्स को जब इनके बगल से प्रवाहित कराया जाता है या गुजारा जाता है तो हमको छोटू पहले से पता है कि सर
डीएनए का जो हेलिक्स होता है ना, डीएनए का जो हेलिक्स होता है उस डीएनए के हेलिक्स में ऋण आवेश होता है, डीएनए में ऋणात्मक आवेश होता है। तो सर आप तो फिजिक्स का नियम बहुत अच्छा से जानते होंगे कि प्लस माइनस हर हमेशा क्या करता है, आकर्षण करता है। यही बात है कि यहाँ पे डीएनए में क्या है माइनस माइनस, और इसमें क्या है ऑक्टामर में प्लस, ये दोनों आपस में क्या करते हैं आकर्षण करते हैं, जिस कारण से एक बड़ा सा डीएनए का हेलिक्स छोटे से केंद्रक के भीतर चले आते हैं। अगर एक में समायोजित नहीं होते हैं तो उनसे सटे एक और केंद्रक होते हैं, इसमें भी सेम प्रक्रिया होता है, और यहां से क्या होते हैं डीएनए का हेलिक्स पुनः मुड़ता है और आपस में इसमें भी क्या होते हैं धन आवेश होते हैं। लेकिन यहां पर सर, यहां पर जोड़ने के लिए यहां से ध्यान दीजिएगा, बचा हुआ H1 आता है, H1 जो कि सर योजक डीएनए क्या होता है, योजक डीएनए का निर्माण करता है और यह आपस में इसको जोड़ देता है। इस प्रकार एक विशाल संरचना का डीएनए एक छोटे से केंद्रक के भीतर समायोजित हो जाती है, यह प्रक्रिया डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक बार परिभाषा फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर डीएनए के विशाल संरचना को, डीएनए के विशाल संरचना को एक छोटे से केंद्रक के भीतर प्रविष्ट कराने की विधि, समायोजित कराने की विधि डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। पूरा फिनिश, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें याद रखना है कि डीएनए की पैकेजिंग की प्रक्रिया करने के लिए, थोड़ा थोड़ी समझिए, डीएनए की प्रक्रिया को करने के लिए हम क्रोमोटीन को लेते हैं। क्रोमोटीन को लेते हैं तो पाते हैं कि सर जी क्रोमोटीन के भीतर प्रोटीन पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की बात किया जाता है तो हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, देखते हैं कि सर H1, H2A, H2B, H3 और H4 जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में H1 का कोई काम नहीं होता है, जबकि H2A, H2B, H3 और H4 आपस में ऑक्टामर का निर्माण कर लेते हैं। जब ऑक्टामर का निर्माण हो जाता है तो इस पे धनात्मक आवेश आ जाते हैं, और डीएनए में क्या होता है ऋणात्मक आवेश, दोनों को एक साथ लाते हैं तो वो आपस में आकर्षण करता है और जुड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश है, जब जुड़ जाता है तो पुनः, जब यह बड़ा हो जाता है तो अगले केंद्रक पे आते हैं, इसको जोड़ने के लिए H1 आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं योजक डीएनए। इस प्रकार डीएनए पैकेजिंग की क्रिया पूर्ण होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि शॉर्ट में बताएं, बंद कर दीजिए।